नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले। आप सभी का स्वागत है मेरे अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक है वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन इन चिल्ड्रन। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो एलर्जी के ऊपर देखा, वो पूरा का पूरा वीडियो ज़्यादातर वो बेसिकली बच्चों की एलर्जिक प्रॉब्लम पे कंसर्न था, तो उसी प्रकार ये भी वीडियो मेरा बच्चों से ही रिलेटेड है। उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो वॉर्म्स की समस्याएं होती हैं उनके अंदर, जैसा कि हम सब अभी देख पा रहे हैं कि वॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली क्रम विकास के अंदर उनने अपने सारे के सारे सिम्टम्स, जिससे वो अपने आप का, उनका प्रेजेंस को वो प्रदर्शित करते थे, वो सारे चेंज हो चुके हैं। जैसे कि एनल ईचिंग, आजकल मुझे नहीं लगता कि बहुत ही रेयर केस के अंदर बच्चे एनल ईचिंग बताते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि वॉर्म्स क्या खत्म हो गए हैं या उनको वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन नहीं है? क्योंकि वॉर्म्स तो हमसे खत्म हो ही नहीं सकते, वॉर्म्स परजीवी हैं और वो हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। वो हमारे लिए कुछ काम करते हैं जिसके बारे में साइंस को जानकारी है, और उसके बदले में हमारे से शेल्टर और खाना रहते हैं, और वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो वो हमसे अलग तो हो ही नहीं सकते। वॉर्म सबके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, इस दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर वॉर्म्स हैं। बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब इनकी संख्या, इनकी आबादी एक थ्रेशोल्ड को पार करके ज्यादा हो जाती है, तो ये अपने ऑकवर्ड सिम्टम्स बताने लगते हैं। पर सिम्टम्स इन दिनों आ ही नहीं रहे हैं। कोई भी बच्चा, रेयरली कोई बच्चा एनल ईचिंग बता रहा है। तो क्या वॉर्म्स खत्म हो गए हैं? जी नहीं, वॉर्म्स बिल्कुल नहीं खत्म हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, उनके क्रम विकास के कारण, उनका जो इवोल्यूशन हुआ उसके कारण, उनने अपना, अपने आप को बचाने के लिए अपने मैनिफेस्टेशन, उनकी प्रेजेंस का वो मैनिफेस्टेशन चेंज हो गया है। वो शिफ्ट हो गया है एनल ईचिंग से कुछ बाकी सिम्टम्स की तरफ। अब अपन देखते हैं वो बाकी सिम्टम्स क्या है। पहला, सबसे पहला, एनल ईचिंग तो गायब ही हो चुका है। किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा कितना ही वो वॉर्म्स का पीड़ित हो, पर वो कभी भी वो एनल ईचिंग नहीं बताता है। दूसरा, पेल स्पॉट ऑन फेस। हम इन बच्चों के अंदर, इनके खासकर लिप्स के अगल बगल हमको पेल स्पॉट्स दिखते हैं। वो जो पेल स्पॉट्स होते हैं, दैट इज द साइन ऑफ वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन। ये सबसे प्राइमरी साइन होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्शन पे, कि अगर वो पेल स्पॉट्स होते हैं, और अगर जो सब्जेक्ट, मतलब बच्चा अगर गोरा है फेयर कॉम्प्लेक्शन का, तो उसके अंदर ये वॉर्म्स हमको दिखेंगे ही नहीं। मतलब ये वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन देखने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेयर है। और ये जो है, ज्यादा अच्छे से डार्क कॉम्प्लेक्शन के बच्चों के अंदर इसको ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, जिनके अंदर डार्क कलर, मतलब डार्क टोन्ड स्किन के ऊपर लाइट टोन के जो पेल स्पॉट्स होते हैं, उनको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, उनको वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन है इन दिनों, मतलब ये उनका जो नया, जो अपने आप को प्रदर्शित करने का तरीका है, वो होता है कि बच्चों को अम्बिलिकल रीजन में इडियोपैथिक टाइप का एब्डोमिनल पेन होता है। मतलब बच्चा खेल रहा है, और खेलते 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 जब भी उसको नाभि में दर्द हुआ, तो वो अपनी मम्मी के पास आएगा, मम्मा मम्मा मेरे को पेट दुख रहा है, और वो कुछ समय में, कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में वो दर्द सबसाइड हो जाएगा। दिस इज येट अनादर सिम्टम्स ऑफ वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन। ये वॉर्म्स के कारण, इसको वॉर्म कोलिक बोला गया है, और हमारी रिपर्टरीज के अंदर भी यह है, और कई मेडिसिन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद वॉर्म्स। जो तीसरा मैनिफेस्टेशन है, जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इन दिनों हमको आबादी में देखने में आ रहा है, वो है इरिटेबिलिटी। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं। केंट ने सिन्हा के अंदर साफ साफ लिखा है कि ड्यू टू द ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन ऑफ वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, इट इफेक्ट्स डायरेक्टली द मेंटल फ्रेम ऑफ अ चाइल्ड। उसका मेंटल फ्रेम को सीधे अफेक्ट करेगा। एक चीज हम अभी बोलते हैं, जो कई बार मजाक में, यार आजकल तो एक बच्चे को संभालना बड़ा कठिन हो गया है, पुराने जमाने में तो 10-10, 12-12 बच्चे पल जाते थे। उसका मेन कारण कहीं ना कहीं वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन है, कि वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन के कारण उसके अंदर, उसका पूरा का पूरा वॉर्म्स इन्फेक्शन होने के कारण, कहीं ना कहीं उस बच्चे के मेंटल फ्रेम के अंदर शॉर्ट टेम्परनेस, हेड स्ट्रांगनेस, मतलब जिद्दी होना, नॉटी मतलब शरारती होना, और इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये मेंटल इफेक्ट्स हैं वॉर्म्स के। और अगर हम गौर से देखें तो जो ग्रुप ऑफ द मेडिसिन इसमें इंडिकेट होता है, जैसे कि सिन्हा होता है, चाइना होता है, कैमोमिला होता है, ये सब कहीं ना कहीं वॉर्म्स को रेक्टिफाई करने की मेडिसिन हैं। अब इसके अपन इलाज के ऊपर आते हैं कि इसका बेसिकली क्या इलाज चल रहा है दुनिया में। देखिए, जो एल्बेंडाजोल है, जो मतलब एंटी प्रोटोजोअल है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये इकलौती दवा है
एलोपैथी का एक ओनली एंटीबायोटिक है, जो एंटीबायोटिक मतलब वो जीव को मारने वाली दवा से एंटीबायोटिक बोल रहा हूँ, वैसे है प्रोटोजोअल, एंटी प्रोटोजोअल है, कि इसके अंदर कभी भी कोई दूसरी जनरेशन की दवा नहीं आई। ये जो दवा है ये सबसे पुरानी है और आज भी यही प्रचलन में है। और मेरा मानना है कि वॉर्म्स जो है इस एल्बेंडाजोल को रेजिस्टेंट हो गए हैं लोग। नो वॉर्म्स ब्रांडी कई फार्म में आती है, लोग देते हैं, पर उससे होता क्या है कि कुछ वॉर्म्स की आबादी तो स्टूल के थ्रू पास हो जाती है इवेक्यूएशन से, बट इनके पैदावार पे और इनके प्लोरिफरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो दोस्तों और मित्रों, जैसा कि ये वीडियो छोटा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, ये मैं बता चुका हूँ कि ये मेरी दोनों प्रकार की पॉपुलेशन, दोनों प्रकार के व्यूअर्स के लिए, आम जनता के लिए भी है, प्लस डॉक्टर और स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इकलौता जो चारा इस लोगों के पास बचता है वो है होम्योपैथी, कि होम्योपैथी के अंदर वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पुराना, बहुत ही एंशियंट टॉपिक रहा है होम्योपैथी के फिलोसफी के सेक्टर का। तो होम्योपैथी इज द ओनली रैशनल ट्रीटमेंट बाय विच वी कैन इवेक्युएट, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन। और इसके अंदर बहुत सारी दवाएं हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने की दवाएं हैं। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कोई भी दवा को रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की सलाह के बिना नहीं लेना है। और ये एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है। तो हमारे पास कौन सी मेडिसिन है जो वॉर्म्स पे काम करती है, ये रिपर्ट्री के अंदर लिखा है बेसिकली, कि जो पेल स्पॉट ऑन फेस होते हैं एसोसिएटेड विद वॉर्म्स, उसके अंदर स्पाइजेलिया और स्टेनम मेटेलिकम दवा है। जनरली वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट दवा है सिना, सेंटोनाइनम, कल्केरिया कार्ब, ट्यूबरकुलिनम और ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन पे काम करती है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन। तो व्यूअर्स, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपके बच्चे वॉर्म्स से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप तुरंत अपने अगल बगल, अपने एरिया में, अपने शहर में, जहां पे भी आप रहते हैं, आप एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, आपकी प्रॉब्लम का निवारण तत्काल प्रभाव के साथ हो जाएगा। तो बस ये दोस्तों, इस वॉर्म्स मैनिफेस्टेशन के वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूंगा और बहुत जल्द आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। नमस्कार।